बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ जो है बिल्कुल न्यू स्टाइल में खीर की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो कि अपने टेस्ट और अपने कलर के जो है अतबार से बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही टेस्टी और यमी होगी। बग़ैर किसी खोए क्रीम के हम इसे बहुत ही यमी बनाएंगे और बहुत ही प्यारा सा इसका जो है वो गुलाबी कलर भी आएगा। तो ये मज़ेदार और क्रीमी, बग़ैर क्रीम और खोए के हम जो है वो गुलाबी सी खीर कैसे बनाएंगे और इसमें क्या चीज़ हम डालेंगे जिससे इसका कलर जो है वो इतना प्यारा सा गुलाबी आएगा, ये देखने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारी जो है वो वीडियो को पूरा देखें, इसको स्किप नहीं करना, तो साथ साथ रहना है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सी क्रीमी पिंक और मज़ेदार से जायके वाली खीर जो है वो हम कैसे बनाएँगे। यहाँ पर हाफ कप जो है वो चावल बनस्पति हमने 2 से 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिए थे। बहुत अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो चुके हैं। हाथों से अगर हम इस तरह इनको मसलें तो ये बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस जो है वो हो रहे हैं, आप देखें इस तरह से। तो अभी यहाँ पर ब्लेंडर जग ले लेंगे और सारे चावल जो हमने उस पानी के स्मेल इसमें डालेंगे। और इसको ब्लेंड कर लेंगे। इस तरह बिल्कुल ये बारीक हो गए। यहाँ एक पैन में हम 1.5 लीटर दूध डालेंगे। ये फुल फैट जो है वो खुला दूध है, आप चाहे तो डब्बे का दूध भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी खीर जो है वो बन जाएगी। दूध को बॉयल आने देंगे यहाँ पर। यह हमारे दूध को जो है वो बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे जो हमने चावल जो है वो ग्राइंड करके रखे हैं और अच्छी तरह इसको गाढ़ा होने तक जो है वो चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसे चम्मच चलाते हुए इसी तरह पकाएंगे। यहाँ पे देखें जी, हमारी खीर माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह थिक हो चुकी है, बहुत ही क्रीमी सी इसकी लुक आई है। तकरीबन आधा घंटा हमने इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए पकाया है। स्लो फ्लेम पर पकाने से बहुत अच्छी तरह जो है ये क्रीमी हो जाती है, चावल बहुत अच्छी तरह जो है वो गल जाते हैं। तो यहाँ भी जो है वजह चूल्हे पर ही इसको रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं, दूसरे चूल्हे पर इसे कर देंगे। यहाँ एक पैन हमने चूल्हे पे ले लिया है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं हाफ कप चीनी। टोटल हम 1 कप चीनी जो है वो खीर में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ हाफ कप ले रही हूँ। हाफ कप हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, वो आपको बताएंगे। यहाँ इस पैन में इस तरह फैलाकर हम इस चीनी को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर डालेंगे। इस तरह इक्वली हमने इसको फैला लेना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम इसके नीचे हमने रखनी है और चम्मच नहीं चलाना। अभी यहाँ पे आप देखें कि चीनी जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ चीनी को हमने कैरामलाइज करना है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो। अब चम्मच हम चलाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारी सारी शुगर जो है वो करमलाइज हो चुकी है, बहुत प्यारा सा गोल्डन सा इस तरह का कलर हमें चाहिए वो आ चुका है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा कलर कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा जो है वो करने से कलर उसमें कड़वाहट आ जाएगी कैरमेल में। तो बस इतना ही हमें प्यारा सा गोल्डन कलर जो है वो चाहिए था। तो हमारा करमलाइज यहाँ पर रेडी है। हमारी खीर की कंडीशन भी आप देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी क्रीमी हो रही है। तो इस स्टेज पर हम डालेंगे अपनी
कैरमल, आस्ता आस्ता जब ये गरम खीर में मिक्स होगा, चम्मच हमने मुसलसल चलानी है, तो ये कैरमल जो है वो मेल्ट हो जाएगा। चम्मच हमने मुसलसल चलाते रहना है। कैरमल डालते ही आप देखें कितना प्यारा सा रिच पिंक सा कलर जो है वो हमारे खीर को आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देखें सारा कैरमलाइज जो है वो मेल्ट हो चुका है। मुसलसल चम्मच चलाने से और रिच मिलने से वो मेल्ट हो जाता है और बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा पिंक कलर हमारी खीर को आ चुका है। तो यहाँ इस स्टेज पे हम डालेंगे हाफ कप मज़ीद जो है वो चीनी शुगर, क्योंकि जब कैरमलाइज होती है शुगर तो उसकी मिठास कम हो जाती है और उसका एक मखसूस टेस्ट होता है वो आ जाता है। चीनी डालिए, चीनी पानी छोड़ेगी, इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह कुछ देर मज़ीद हम इसे पकाएंगे ताकि जो चीनी ने पानी छोड़ा है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। माशाल्लाह बहुत प्यारी बहुत ही क्रीमी सी हमारी खीर यहाँ पे प्यारा सा पिंक कलर आया, तकरीबन रेडी है। 5 से 10 मिनट मज़ीद इसे जो है वो हम पकाएंगे ताकि चीनी जो पानी छोड़ेगी वो अच्छी तरह पक जाए। बहुत अच्छी तरह हमारी खीर देखें क्रीमी और थिक हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमने इसे थिक नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये मज़ीद जो है वो थिक हो जाएगी। तो इस स्टेज पे यहाँ पे हमने ना कोई इसमें क्रीम, ना खोया, ना कंडेंस मिल्क वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ किया। और आप देखें कितनी क्रीमी और कितनी थिक जो है और कितना प्यारा इसका कलर है, हमारी खीर रेडी है। तो यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसे फाइनल हम जो है वो सर्व करेंगे, डिश आउट करेंगे। अब देखें माशाल्लाह कितनी क्रीमी और यमी सी हो चुकी है। अभी ये थोड़ी सी नॉर्मल हुई है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। थोड़े से नट्स जो है वो गार्निश करेंगे, आप अपनी पसंद से इसकी गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही क्रीमी और यमी सा इसका जो है वो टेक्सचर है। ये यमी और क्रीमी सी जो है वो हमारी कैरमल खीर, जो कि अपने जायके और अपने रंगत के एतबार से बिल्कुल डिफरेंट है बाकी खीरों से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपनी दावतों में आप अपने किसी भी जो है वो इवेंट में इसे बनाएं और इंशाल्लाह सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।